नमस्कार यार से डॉट कॉम सभी का स्वागत है। साक्षात राज सिंह 873873। आज आपने सा गए जवाराम चौधरी जखा जालमपुरा है, गांव है, सायला तहसील है और जालौर जिलो है। और आपको बिजनेसमैन व्यवसाय ही तो व्यवसाय ही बिजी आदमी फिर भी हमें टाइम दिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैदराबाद में गाँव में अठेजा कौन सी जगह है, करीमनगर, कई जगह को व्यवसाय क्यों तो टाइम देने के लिए बहुत। जयराम जी की, जयराम जी की साहब, जयराम जी, जय माता जी की, सही बोल दिया कोनी के। अब आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता दूँ, ये तो वीडियो याल से डॉक्टर संपत्ति रह लो, जो कुछ अथे जिम्मेदार हो ये कोई व्यवसाय पे मालिक है तुम तो कोनी बोलो, एक बार इंटरनेट पे एडिट के प्लॉट देखा लो, ठीक है। तो शुरुआत ना परिवार से, आपने माता पिता का नाम है? पिताजी को नाम मेरा राम जी, माता का नाम द्रौपदी देवी, दादा दादी जी को, दादा दादी का दादा का नाम रावता राम जी और दादी को नाम जसी देवी, ठीक है। और पीछे याद है बाड़मेर तहसील में, अच्छा बाड़मेर जिला में, अच्छा नजदीक है। तो नाना नानी नानी कौन सा गाँव है? नानी दुधवा, दुधवा नजदीक ही है। नाना नानी जी का नाम? नाना को नाम प्रभु राम जी और नानी को नाम सजना देवी, सजना देवी। और सासुर कटे? सासुर भंडोपुर, भांडोपुर, भांडोपुर, हाँ कटे बटे बटो से और नजदीक ही हमारा गाँव। तो सासुर को नाम? ससुरा को नाम है अजय राम जी। भाई बहन कहते होते? मैं चार भाई हूँ, तीन बहन है, चार भाई तीन बहन, ठीक है। तो नाम बताओ सका? सब बड़ा भाई है सोगा राम जी, भी हूँ छोटो मैं हूँ और भी हूँ छोटो पद्मा राम जी है जो एडवोकेट भी है और टीचर है। अच्छा। और सब छोटो है धनरूपा राम, वो ही रोड रहे। ठीक है। और सब बड़ी बड़ी हमारी बहन है, बा गांव राजस्थान में है, खेती बाड़ी बटी। नाम के बाबू? बा लीलू देवी, लीलू देवी, लीलू, लीलू, लीलू देवी, लीला देवी, लीला बोलो हमारी भाषा में, लीलू। घराणों के नाम? सुंगी देवी, सुंगी देवी, हाँ। और बच्चा कता? हमारे तीन बच्चा है, नाम बताओ। बड़ो बड़ो मनोज कुमार, बीहू छोटो कांतिलाल और बीहू छोटो मुकेश कुमार। बड़ो वालो बेटो इंजीनियरिंग करिए, फाइनल ईयर है, बीटेक कर रही हो। बीहू छोटो एमबीबीएस की तैयारी कर रही है और बीहू छोटो सीए की तैयारी कर रही हो। ठीक है। पढ़ना कहते होते? मैं सातवीं पास हूँ सर। सातवीं पास, बढ़िया। तो थारे को प्रिय मित्र बताना चाहो तो? प्रिय मित्र तुम्हारा बोला ही है सब, पूरा जो जान पहचान वाला पूरा हमारी मित्र, हाँ सब सके सागे अच्छी है। प्रिय गुरुजी थारा? हमारे गुरुजी तो आत्माराम जी मरसा है। खान पान के चौक लगा था ना? खान पान तो सब राजस्थानी खान पान, सब राजस्थान के बढ़िया इलाके है पूरा। गुम्बा कटे कटे गेटा? गुम्बा तो साहब साउथ पूरो घूमी उड़ो। अच्छा। जैसे रामेश्वर, कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, मल्लिकार्जुन, भाई ज्योतिर्लिंग का करीब करीब पूरा दर्शन कर दिया। हाँ। उत्तर में बैठे? उत्तर में तो उत्तराखंड साइड में गयोड़ा, हाँ बट वो कैला देवी गयोड़ा, ज्वाला देवी गयोड़ा। तो परिवार साथ ही गया कि अकेला गया? नहीं, हाल तो दोस्तों के साथ ही गया। चलो कोई बात नहीं। और ये बताओ कि घर वाला ने थाने हवाई जहाज में डाये नहीं डाये थे? बोली बार मैं जाऊँ हवाई जहाज में जाऊँ। माता पिता ने? माता पिता भी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। देखो आप पैसा कमाओगे थोड़ा सा अगर भी हवाई जहाज बढ़िया। नहीं नहीं। अच्छा, खेल टापर नाम को रुचि तो खिला था? पहले तो कबड्डी खेलता, कबड्डी, हाँ। अर्मी के बाद तो बार आ गया तो ठीक है, वो क्रिकेट को बल्लो कद कद उठा ले वहाँ। और फिल्म में रुचि थोड़ी बहुत? फिल्म देखा कोई पुरानी थी, फिल्म देखो अभी नहीं देखो। प्रिय फिल्म कोई सी बताओ तो? बाकी तो यहाँ तो देखो तो शोले फिल्म, शोले। और प्रिय हीरो? हीरो तो अमिताभ और धर्मेंद्र। हीरोइन? हीरोइन में तो देख लो हेमा मालिनी, बीके। वार में? वार कौन सोखला था? देखिए वार तो सब बढ़िया है पर शनिवार मारे के शनि से रहे तो शनिवार मने सब यूँ अच्छो लगे। फलम? फल? फल तो देखो आम। आम। और फूल? फूल गुलाब को। मौसम? मौसम तो देखो साहब यहाँ तो देखो तो जाड़ो अच्छो लगे पर सही रहे तो बरसात को मीडियम। और आप आदर्श कौन है? हमारे आदर्श, हाँ कोई जी राजनीतिक धार्मिक कोई महापुरुष को जो आदर्श? महापुरुष में तो देखो तो सरदार पटेल, सरदार पटेल, हाँ जिसको लो पुरुष, लो पुरुष का वहाँ पर। रंग बताए थे रंग को प्रिय थरो? रंग? रंग में तो यहाँ को नहीं है पर गुलाबी रंग सब बढ़िया लगे। ठीक है। अब यहाँ बताओ कि आपने आजीविका की शुरुआत क्या आयोजन थे, काम धंधा क्या खोटा गड़ा एग्री प्रसाद पढ़ना? देखो सर मैं पहले सातवीं पास करने बारे आ गयो, हमारे गाँव का ही यहाँ बीके सागे में निजामबाद आयो बटे आंध्रा में है। अच्छा अच्छा। 1880 किलोमीटर 160 किलोमीटर है बटे डेढ़ साल नौकरी करी मैं बटाऊ पे हमारा जीजा मन लेन गया बेंगलोर, बेंगलोर दो साल नौकरी करी स्टील की दुकान पे बटाऊ पचा हमारे जीजा आगे
दुकान कर दी इरोड में तमिलनाडु, तो तमिलनाडु गए, तमिलनाडु बनावटे नौकरी करी एक डेढ़ साल दो साल, पचे बनावटा नौकरी छोड़ने बाद में मैं छोटो धंधो जो आप छोटो धंधो करा ना कि भाई बैग में लेन की ऑर्डर आए माल दे दियो बीस साहब, वो एक साल तक वो करियो। और 1994 में मैं दुकान कर दी पूजा केबल इरोटरे मैंने इलेक्ट्रिकल की, बीके बाद में हमारी ब्रांच होती गई जैसे परमेश्वरी इलेक्ट्रिकल हमारे एक रिश्तेदार ने भी ना कराई, फिर ऑटोमोबाइल्स की दुकान आप ही कराई, फिर एक पूजा स्टेशनरी हमारा भाणजे है बीके से आगे करी बाप दुकान भी नहीं दी, फिर हार्डवेयर की करी देवासिया कावतरा का भी न कराई बा दुकान भी बिना दे दी यहाँ के भाई सबला ने जो जो दुकान करी और पार्टनर आ सके बे बिना ने पची ओटी दे दी। अब वर्तमान में हमारे इरोडरे महीने पूजा केबल करने दुकान है, होम अप्लायंसेस को कारोबार है भी मैं चीज रखो भी मैं मिक्सी ग्राइंडर आप समझो ना अप्लायंस के आइटम पूरी रखा हाँ कुकर वगैरह घर गृहस्थी को और क्या धंधा था और बटे इरोड में ही मारो छोटो भाई बैठे बटे कुकर की फैक्ट्री है प्रेशर कुकर की और एक रोलिंग मिल अबार जस्ट हमें नई लगाई है जो आप सर्कल आवे ना कुकर के वास्ते बे बाय और ऑटोमोबाइल्स की दुकान है बात तो वह भी किराए पे दे दी बटे बटे भाई के घर की बिल्डिंग है भाई बटे सेटल है जिनका बच्चा भी बटे है भाई के दो बच्चा है दोनों पटरिया बटे बच्चों आप हैदराबाद में हमारे बिजनेस है हैदराबाद में सीलिंग फैन को काम है सीलिंग फैन बनाओ तो पंखा जहाँ ये तो जहाँ थारा खुद का ही मार को लगाओ जो कि बड़ी कंपनियां का भी नहीं कंपनियां ने बनाने भी दो अपनों खुद को भी ब्रांड है आपको खुद को ब्रांड सनलाइफ और ब्लू लीफ ब्लू लीफ हाँ और दूसरी कंपनियां ने भी बनाने दे केरला की पांच छह कंपनियां है और जैसे गांव में पेट्रोल पंप है ठीक है इंडियन ऑयल का है दोनों अच्छा अच्छा एक तो हमारा गांव जीवाना और जालमपुरा रोड पे ही है एक सुराना पे है हाँ पेट्रोल पंप यहाँ बताओ जी यहाँ आज सुना है भाई यहाँ 110 वो तेल गलाओ 100 में यार वो चक्री घूम जाए या वो पानी आ गो वो टंकी में कंग गाल दियो मतलब वो यहाँ पानी को नहीं आवे मतलब कभी कभी कहीं रहे सा कि आप टैंक के नीचे पानी डालना ही पड़े एक 2500 लीटर तक पानी रहे अच्छा हाँ तो वो कहीं रहे कि यदि कोई नीचे डीप रख रख डाल दी नीचे तक तो भी मैं कभी आ सके नहीं तो यहाँ पानी को नहीं आवे तो टंकी में पानी रहे हाँ नीचे पानी रहे वो पानी रहना जरूरी है क्यों वो गवर्नमेंट को नियम है हाँ कि वो टंकी के नीचे तो पानी रहे ही रहे वो नीचे एकदम वो नीचे रहे पानी कहीं भारी भारी रहे ना तेल ऊपर तेल ऊपर रह जावे वो नीचे रह जावे तो वो है कदे कदे अलाद गाल नहीं के बड़ा मेरे नहीं नहीं वो कदे कदे देखो यहाँ ना जावे ईमानदारी के ऊपर है नहीं तो कैलिब्रेशन हर साल करे भी मैं कही है कोई कोई लोग आपनो दो रुपया दे भी नहीं करा भी नहीं करा दे वो ऑफिसर आवे भी ने थोड़ा एडजस्टमेंट करा अनुभव कर देवे हाँ तो वो रहे और ऑनर नहीं करे तो कहीं टाबर भी कर लेवे जो ऊपर जो सेल्समैन वगैरह रहे हाँ बे ऐसा मुँह कर देवे कि आगे भी ने बोल देवे अरे भाई जी वो देख लो वो बात करा देवे भी मैं थोड़ा कम डाल दे वो एक हो गए नहीं करना चाहिए हाँ और करना नहीं चाहिए वो कर इक्का दे नहीं तो और क्या धंधा था भाई और गांव में हमारे ड्रिप्स की दुकान है जैसे भी मैं पाइप अपना फुहारा का पाइप है सिंचाई का हाँ सिंचाई का जो बूंद बूंद सिंचाई आवे ना भी की दुकान है हाँ बड़ा भाई साहब डब्बे में ठीक है और कॉलेज है कॉलेज है हाँ लक्ष्मी नारायण कॉलेज करने है डिग्री कॉलेज है तो कॉलेज वाले के जी चीर के ब्रांच है तार कॉलेज में तो अभी तो खाली इतिहास की है इतिहास की हाँ इतिहास को ही लियो बार तीन साल हुआ तीसरो साल रही है तो अब नई बिल्डिंग भी बन रही है हमारी कॉलेज की एक लाख स्क्वायर फीट में बन रही है पहली छोटो हो किधर ओ जालमपुर और जीवना रोड अच्छा पे हाँ तो क्या उद्देश्य ले चले एक मतलब उद्देश्य यही आया कि सब हमारे साइड में थोड़ी पढ़ाई की कमी है और बच्चे हमारे वास्ते विशेष करने तकलीफ रहे कि भाई जैसे बारहवीं हुई बीने बाद में छोड़े को नहीं भाई यहाँ लगे कि डर लगे कि भाई यार बच्चे अकेले जावे कटे रहे कहीं है तो वो थोड़ा अपन ही अलग हो कि भाई अपने गांव में ही कॉलेज भेजा है तो टाबर रहे फायदो रहे नहीं तो जयपुर जानो या जोधपुर जाओ या जालोर जाओ भाई साहब खेती है हाँ खेती है साहब कितने बीघा खेती हमारे समझो हमारे पिताजी में चार भाई हैं तो चार 80 बीघा है बढ़िया क्या क्या होगा बीघा भी मैं साहब देखो अबार तो फसल मेन फसल तो आ गई की दाड़म के अनार की और हाँ और एरंडी वे गेहूँ भी वे
जीरो वे ये सब गोल है, पर अब बार लोग हमारी साइड में मतलब अनार ज्यादा मारा है ना, जो मारा है खेती को नहीं करे। और क्या चीज, और बाजरी गुआ रही है हमारे साइड में, तीन फसल लेवा में भाई। सर्दी के टाइम में आ फसल आ गई जीरो राइड हो सब गोल बो, गर्मी के टाइम में भी बाजरा बो, कुआ सिसाई हो जावे, और बरसात की तो ही है, तो तीनों फसल लेवा में। और क्या धंधा है? और ग्रेनेड को है करीमनगर में बाऊपेट में। ग्रेनेड आटा नजदीक नजदीक में कोरिया बोली है, बताओ आप ब्लॉक ले लो, ब्लॉक लेने भी कटाई करने पाचो भी ने अपने मशीन लग रही है, माल तो ऑल ओवर इंडिया जावे, केरला जावे, तमिलनाडु जावे, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, एमपी में है। खान ले भाई कौन सोची थे? खान को नहीं सोची, क्योंकि अभी में थोड़ा अलग धंधा रह जाए वो अलग हो जावे, और इतो देखो अपने भी में थोड़ा नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, नहीं तो घाटो बोलो हो जावे। हॉस्पिटल है गाँव में, चलो बढ़िया। अब यहाँ बताओ कि थे वो जो काम कर रहा था अतड़ंगा फैलाया, मतलब जी फिर भी काल जब संतुष्ट है कभी यार? नहीं, अब तो संतुष्ट ही है, अब संतुष्ट है। कभी आप आते एक मजदूर से यात्रा? नहीं देखो, मैं तो यहाँ मैंने साहब, मैं जो पहली सर्विस करी ना, डेढ़ साल में मैंने 600 रुपया मिलिया, डेढ़ साल का कितना 600 रुपया, हाँ जो मैं 86 में आयो बार, हाँ तो 600 रुपया दिया भी हूँ शुरुआत करी, और मैं समझ लो ना नौकरी करी 92 तक, तो 92 तक मैंने मोटा मोटी 17-18 हज़ार रुपया मिलिया, 86 में लगा ने 92 तक। तो बेगा समझ गया धंधो करना है तो जी वो मैंने बेंगलोर में तो जब ही मन दिमाग में आएगी थी कि मारे बिजनेस करना, मारे सागे एक हो मधु सिंह करने, तो मैंने बोलियो भी मैं बोला यार अपन बिजनेस कर लो, वो तो अब हो गए साहब मैं 50+ को। यहाँ बताओ क्या एक चीज था सवाल पूछे, जो लोकल आदमी रहे वो बटे घड़े पिछा नौकरी, लेकिन बहुत सफल होने 12-18 आदमी बटे मजदूरी टिप्पण ले रहा है, और वो बटे धंधा मजदूरी करते हो तो शेट हो जाए, वो क्या कारण? वो कारण वो है साहब की अपन गांव में रहे, जैसे गांव में रहे तो आज भुआ के अटे जानो, आज मामा के अटे जानो, आज बा पंचायती में जानो, अटे आवे तो आदमी कहीं खाली कमान खातर आवे, रोटी भी मणि मणि मिल जाए गांव में। हां गांव में तो कहीं आज नहीं तो कल कर दो, दूजी कोई प्रॉब्लम को नहीं मिली भी हिसाब। एक मैं सुनी थे पंचायती पंचायती की, देखो यहाँ एक आप छाछी पंचायती रहे तो करा अहिया को नहीं कि भाई किन्नो सागे यहाँ को नहीं फालतू चाटो को नहीं फालतू को नहीं आज जो सही है तो सही, चाहे वो मारो रिश्तेदार भी है या एकदम नजदीक को दोस्त है, यदि गलत है तो मैंने बोल दे कि भाई यहाँ गलत है बाय, यहाँ खोटी पंचायती को नहीं करा को नहीं। तो अपना अत्ता डंगा थे कर रहा है कि कर्मचारी नौकरी देते हैं मैम साहब पूरा ने समझो ना सब जगह मिला 150 के पार है, 150 आदमी है, आदमी बना रहा हूँ, क्योंकि आदमी रखूँ तो कोई रख ले बन जाए 40-20 साल तो रख लू भाई कला है। कला बोले तो यहाँ आदमी नहीं जानना, वो भी आपने कंपनी को होंगे, आप एक कंपनी सक्सेस करनी बोले तो आप अकेला को नहीं कर सको, बिके आप रो सुपरवाइजर रहो या मैनेजर रहो या छोटा छोटो जो वर्कर है एटलीस्ट झाड़ू निकालने वालों वो भी सागे मिलने एक कंपनी बनावे, कंपनी को नाम ही वही है, कंपनी बोले तो पूरा जॉइंट होना, कंपनी मतलब भी है मतलब हाँ पूरा मिलने तो ही करे, एक सेट की क्यों नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके कंपनी को मतलब भी है अंग्रेजी वो भी हुआ है ना कंपनी साथ को साथ साथ मिलना वो बात है साहब। तो थोड़ी बहुत है धर्म रुचि है, धर्म में तो ये साहब धर्म में तो रुचि रखा पक्के रखा साहब, क्योंकि कई आदमी धर्म के बिना तो चाले ही नहीं, तो धर्म की धर्म में जैसे समाज सेवा धर्म में हमारे गांव में गौशाला है तो बटे में वो बाउंड्री को करियो तो बी टाइम भी साहब करवायो शुरुआत भी कराई। आपने जो थारो समाज है आपने जी हाँ क्या बताया खेतान मैं खेतौनी तो मारो खेतौनी हाँ अच्छा। बोले तो अब आप गांव में रहे ना कि भाई कौन सा परिवार हूँ, बोले मैं खेतौनी परिवार से अच्छा। हमारी गोत्र है तरक चौधरी, मैं चौधरी हूँ चौधरी जाट नहीं जाट को नहीं पटेल आंजना चौधरी पटेल चौधरी नाक हाँ नहीं भाई बिनू मिलता जुलता है पर आंजना चौधरी वहाँ जाट चौधरी बेकोनी। तो थारे समुदाय में थानको चीज कुरीतियां कमी महसूस हुई भाई कुरीतियां तो दो एक तो देखो मारे नशा पता को थोड़ो मारे साइड में थोड़ो वो है वो लाफी वो बोई बस उन्हें जाज रंग निकल डली दे रहा है मारे सारे तो दूर रह नहीं 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 मारे साइड में थोड़ो ज्यादा है तो नहीं रहे तो अच्छे रहे मारा गुरु जी है दयाराम जी बापसी वे बोले भी है बेकटे जावे तो इनके खिलाफ ही बोले क्योंकि मारो धाम है शिकारपुरा राजा राम जी मारे गुरु है भाई भगवान है विभिन्न माना या जैसे विष्णुइयों में जंबेश्वर भगवान है पुरोहितों में खेताराम जी है देवासियों में जतेश्वर जी है तो भाई हमारे राजा राम जी है। तो थाने जी एक तो नशा को बता दियो एक जगह बाल विवाह बंद हुआ है थारे
हाँ बाल विवाह तो बंद तो होगा पर कोई करे पर अब तो बंद होगा, करीब करीब तो बंद होगा। थारे इलाका में थोड़ा नौकरी पे सब ज्यादा रुझान है कि ना नौकरी वाला को नहीं, अब आया पहली तो कहीं साहब जमीन ही पानी अच्छो हो तो बारे आया को नहीं, अरे बारे आया तो सातवीं आठवीं दसवीं पार ने हाँ बिजनेस मैन था ने बड़ा मिल जाए। गांव का पानी कतो घर अब तो साहब होगो 500-600 फीट तक बी टाइम कतो बी टाइम तो जैसे मारा गांव का नजदीक में तो 25 फीट पे पानी हो जैसे मारो ससुराल है बट तो 25 फीट पे हो अब तो गयो भाई। थारा गांव जालमपुरा कते आबादी है कतो बड़ो गांव साहब मारा मारे जालमपुरा में जमने 1700 वोटर है अभी मैं देखो 35,000 आबादी हो उसके हाँ 1700 वोटर बोले तो 2500 आबादी रही भी मैं चौधरी है सब ज्यादा चौधरी है फिर राजपूत भी है देवासी है भील है दर्जी है अपने गोस्वामी आवे ना गोस्वामी है इतनी जाता देवासी के मतलब देवासी जो आप देखो गांव में अपना बकरिया वगैरह जो रहे ना वगैरह चल रहा है रायका भी बोल सका हाँ तो थार गांव में कोई चीज कमी महसूस हुआ नहीं देखो कमी तो बोली है साहब क्या बताओ कमी तो यहाँ है कि भाई प्रोग्रेस को नहीं गाँव अच्छा अबार तो उठ रही हुई पर गांव में जो गवर्नमेंट की सुविधा होनी चाहिए ना बे को नहीं क्योंकि अभी तक 12वीं स्कूल होगी क्यों अभी हमारी पंचायत बनी है पिछला 20 में जो इलेक्शन हुआ ना भी में हमारी पंचायत बनी पहली पंचायत थी अब दो है जालमपुरा और दहीवा नजदीकी पर पहले तीन हाँ जीवाणा जालमपुरा और दहीवा अब जीवाणा पंचायत पिछले साल अलग होगी और अब पंचायत भवन भी बनी हुए पर गवर्नमेंट की थोड़ी सुविधा की कमी है पर कर रही है प्रोग्रेस सड़क है भैया सड़क बस सड़क छोटा मोटा हॉस्पिटल है वो छोटो सो डिस्पेंसरी वो भी कोई खास को नहीं स्कूल बात है बता स्कूल है बाबी सही भवन सही को नहीं स्कूल को सरकार को तो अब जी हाँ थारो धंधो जो कौन है धंधो धंधा में क्या धंधो में मालिक होने वो वास्तव में धंधा मालिक होना चाहिए लेकिन घणकर आदमी भूत या फिर बगैर धंधो बाबू मालिक हो जाए भाई बिना पैसा गुलाम हो जाए मैं तो कई बार खूब बाबू तो नौकर चौक छब जाए तो थे आराम से जी भाई आ टेंशन तू ले ए सुपरवाइजर आ टेंशन तू ले अब भाई ने अपना पाना तब उन्हें संभाल दी बाद में होते नहीं मारे वो यान को हिसाब अब जैसे टकरीम नगर है मैं आज 10 दिनों आ जाओ अटे जो है बे संभाल रही है बुद्धाराम जी है अटे वो संभाल रही है मैंने बताई मैं पैसा दूंगा मैं करूं वो बाल ना ना भैया को नहीं आगे बता यहां आप एक धंधा अभी मालूम हां अब जैसे हैदराबाद में एक मैडम रखी हुई है पूरा बोई संभाले मारो बेटो भी अब सीट पे आ गयो क्योंकि वो पढ़ाई तो कर रही है पर सागे टाइम दे देवे हां बात सीख जाए हर जगह यहां तो भाई अपने तो जो अपना कर्मचारी है अपना सागे जो है भाई चलावे काम बढ़िया जो आप सब जगह जाओ भी घूम सका तो कितने बजे उठते सुबह हाँ सुबह तो थोड़ा लेट ही उठो तो मॉर्निंग वॉक करा करो कोनी करो हाल तो कोनी करियो क्योंकि यहां है कोनी शरीर एकदम फिट है चलो हां तार तरफ से कोई संदेश थारा कर्मचारी ने कोई जान कर्मचारी तो देखो मारा तो सब बढ़िया है संदेश को देना चाहता प्लीज चाहता संदेश राज्य रोल आने के चला ईमानदारी करो वो तो ईमानदारी देखो यहां अब ईमानदारी है ये तो बिना ईमानदारी को बोलना है कोनी बढ़िया काम करना आ बात मैं बोल सकूं बिजनेसमैन ने कि यदि आपने बिजनेस में ईमानदारी रखी और अपना केनु आप उधार दे दियो आप क्यों पिसा ले लिया या अपन कोई माल दे लियो वो दिमाग में रखना कि आप टाइम पे पिसा देना तो आपरे बरकत 100% होनी है बा होनी बहुत जरूरी है बिजनेस में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है बहुत बहुत जरूरी रहे बस ठीक है साहब टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आप कभी जी और भी कर्मचारी भाग उनके लिए बोल सको नहीं के टाइम मिल सकना और भाग दो बना सको नहीं के जरूर जरूर जय राम जी जय राम जी राम राम साहब राम राम